Today in this video, I'm going to show how to configure Wi-Fi to this HP 126 NW printer. इस प्रिंटर को वाईफाई से कैसे कनेक्ट करेंगे और इसे वाईफाई से जोड़ेंगे कैसे? There are two options to connect this printer to Wi-Fi. The first option is tap on Wi-Fi signal and WPS button in order to continue router and hit OK. Now Wi-Fi is ready to blinking this and Wi-Fi signal catch up and press the Wi-Fi router WPS button. Then this device connected. ये ऑन करने के बाद आपके वाईफाई राउटर में WPS के बटन तो उसे इनेबल कर लोगे, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा और ये ब्लिंक करना बंद कर देगा। पहले ये ऑप्शन है अगर आपके पास ये राउटर अवेलेबल है तो। सेकंड ऑप्शन, जस्ट कट इट, टैप ऑन सेटिंग, देन फाइंड नेटवर्क सेटअप एंड प्रेस ओके। नाउ नेटवर्क सेटअप वायरलेस मेन्यू ओके, देन गो टू वायरलेस डायरेक्ट ओके एंड वायरलेस डायरेक्ट इज ऑन ऑफ, प्रेस ओके एंड बाय डिफॉल्ट इज ऑफ, then left press on. आपको वायरलेस ऑन करना है, then security is by default turn off, don't change anything and press OK. Now the printer provide a virtual network just like name. Wi-Fi signal is look like that HP printer B7 Legend Pro and the password security is none, so is open network. Then now configure by connect this network. तो हम इस नेटवर्क से जुड़कर आगे कनेक्ट करके बाकी प्रोसेस को वाईफाई से कनेक्ट किया जाता है, हम प्रोसेस करेंगे। अभी वाईफाई डायरेक्ट को करके ऑन करके आप इसे ऑन कर ले, उसके बाद प्रोसेस हम मोबाइल के स्क्रीन पे करके आपको बताते हैं। सो नाउ वाईफाई डायरेक्ट इज ऑन योर प्रिंटर HP 126 NW। आपको पहले वाईफाई डायरेक्ट को ऑन कर लेना और आपकी वाईफाई एक सिग्नल छोड़ेगी HP 126 NW करके। देन आपको वाईफाई सेटिंग के अंदर जाना है एंड उस नेटवर्क के साथ सिक्योरिटी नहीं होने के कारण देन डोंट हैव एनी सिक्योरिटी लॉक सिस्टम, देन टैप ऑन HP 126 NW डायरेक्ट एंड कनेक्ट। आफ्टर कनेक्ट ओपन मोबाइल ब्राउजर गूगल क्रोम एंड टाइप ए IP 192.168.223.1। दिस IP इज ऑलरेडी पिन इन डिस्क्रिप्शन एंड हिट गो। आपको ये IP टाइप करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना। आपके जैसे राउटर के सेटिंग होते हैं जस्ट लाइक राउटर सेटिंग, वैसे आपके प्रिंटर साइड सेटिंग ओपन हो जाएंगे। यू वांट टू कनेक्ट द वाईफाई टू दिस प्रिंटर, देन सिंपली टैप ऑन नेटवर्किंग, देन गो टू ऑन द लेफ्ट साइड वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन। टैप ऑन वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन, द शोइंग इज डिसेबल, फर्स्ट इनेबल इट, इनेबल and hit apply and press OK. After the apply, open Wi-Fi network. You will see nearby all Wi-Fi network just like technical OSIM, white is my network, eyeball and technical OSIM 0. Then all power network showing locked, unlocked and signal strength, how many signal your printer catch up. So आप जैसे ही वाईफाई नेटवर्क को इनेबल करोगे आपके आसपास नियर बाय जितने वाईफाई नेटवर्क होंगे वो आपको कैच करेंगे, प्रिंटर शो करेंगे, लॉक अनलॉक और कितने टावर पकड़े वो आपको देखने को मिल जाएंगे। Then my network technical YT, tap on technical YT, showing this enter the network technical YT SIM and his password security mode WPA WP2, enter your Wi-Fi password. So look, I am put my Wi-Fi password and hit apply. Then apply, press and OK. Then you will see the Wi-Fi signal is blinking to connection. Wait a time, is blink stop. Showing ready and you will see a IP address a little bit a time. Wait a second, I will see the IP address. It's mean your printer is going to online and connected to the Wi-Fi. Agar aapke paas ye blinking karna band kar de aur ye hold ho jaye, yani aapke Wi-Fi ke sath hi connect ho chuka hai and ready aa jaye and yahan pe IP address dikhne lage to samajh jana aapka printer jo hai Wi-Fi ke sath ऑनलाइन हो चुका है। आप ये भी प्लेन केबल्स के थ्रू बैक साइड इन द लेन केबल कनेक्ट करके भी आप इसे ऑनलाइन कर सकते हो। तो दिस इज स्मॉल टिप्स हाउ टू कनेक्ट योर HP 126 NW इनटू वाईफाई वाया लेन केबल और डायरेक्ट। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय हिट लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अच्छा लाइक कर दोस्तों, शेयर करें। HP 126 और भी कई वीडियो देखने के लिए रिपेयर वगैरह काटे बदली के जाते हैं उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।